बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर सुनाकर गया था, एक मंजा हुआ सांड, अब तो उसकी परछाई तक दिखाई नहीं देती, फुटपाथ पर फुटपाथ पर फुटपाथ। लंबे अरसे से लिखी हुई है मेरी कविता, आज यथार्थ होते हुए दिखाई दे रही है और इसे सच साबित कर दिया है हमारे सबके चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़े बड़े वायदे करना और आसानी से मुकर जाना उनका ये शौक बन चुका है। तो दोस्तों, हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो भी वायदे किए थे सारे के सारे खोखले साबित हो गए। सबसे पहले उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, यानी कि नोटबंदी की, और इस देश के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशों से पर्याप्त मात्रा में काला धन इस देश में आएगा और इस देश के लोगों के हरेक के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। किंतु इस देश में ना ही कोई काला धन आया और ना ही किसी के खाते में फूटी कौड़ी भी जमा हो गई। ऑन कॉन्ट्ररी, इस देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पीट गई। GDP अब 4.5 पर आ गया है, देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इस नोटबंदी में इन्होंने इस देश की गरीब जनता का पैसा बैंकों के माध्यम से जमा करवा कर उसका फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाया है। दोस्तों, उन्होंने दूसरा वायदा किया था इस देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का, कम से कम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, किंतु वे 2 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। ऑन कॉन्ट्ररी, इस देश में आर्थिक मंदी के चलते इस देश की कई नामी कंपनियां बंद हो गई और उसमें काम करने वाले लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। इस देश के हाईली क्वालिफाइड लड़के अब चपरासी की नौकरी करने तक के लिए मजबूर हो गए हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, प्याज के दाम 200 के पार चले गए हैं, आलू के दाम आसमान छू रहे हैं और इस देश में गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। किसानों की माली हालत बिगड़ चुकी है, इस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की है। तो दोस्तों, दिलास्ट्रोक में मैं हूं आपका अजीज दोस्त भास्कर सुमन। सोचो, समझो और आगे कदम रखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।